गुड मॉर्निंग। सो आज की शुरुआत हुई है हनी के साथ खेलते खेलते। बहुत दिनों से मैंने प्लांट्स को पानी नहीं दिया था, सो सबसे पहले प्लांट को मैं पानी देता हूँ। आई थिंक 8 दिन हो गए मैंने प्लांट्स को पानी नहीं दिया है। कभी कभी गैप रखना वो भी अच्छा होता है, उससे प्लांट्स की तेजी से ग्रोथ हो सकती है। मतलब मैंने देखा है और मैंने पढ़ा भी है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो घर पे। लेकिन बालकनी में ऊपर कबूतर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कबूतर आ रहे हैं तो गंदगी तो होगी। लेकिन पहले नहीं आते थे, अभी अभी क्या पता क्यों आ रहे हैं। मैंने प्लांट्स बढ़ा दिए इसलिए आ रहे होंगे। तो मुझे आज बालकनी भी क्लीन करनी है, पूरा पानी डाल के मुझे साफ सफाई करनी है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक का काम है मेरे लिए, क्योंकि ये पानी डालो, सब साफ सफाई करो, लेकिन करना तो मुझे ही है। कौन आएगा मेरे घर पे करने के लिए? ना मेरे घर पे मेड आती है, ना कपड़े धोने वाली आती है, ना साफ सफाई करने वाली आती है। गरीबी बहुत ज्यादा है, क्या करूं? कुछ पैसे हो तो भेज दो मेरे लिए। चलो पैसा तो जाने दो, कोई साफ सफाई वाली, बर्तन वाली, कपड़े धोने वाली वो भेज दो मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे काम करने का मन नहीं होता, लेकिन हाँ साफ सुथरा घर तो मेरे को चाहिए। और हाँ, मैंने आज देखा, आज वट सावित्री पूर्णिमा है, तो बहुत सारी लेडीज नीचे बहुत ज़्यादा सज धज के पूजा पाठ करने जा रही थी, विच इज़ गुड, अच्छा है। अपने पति के लिए जा रही है, वो अपनी अपना पति 7 जन्म के लिए मांग रही है। लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनकी सावित्री कहाँ गई होगी? लास्ट जन्म में उसने मे भी उनको नहीं मांगा होगा। कितना गलत हुआ ना उन लोगों के साथ। और यहाँ हनी देखो बहुत ज़्यादा खेल रहा है, इसको हमारी बालकनी में से दूसरी लोगों की बालकनी में झांकना है, वहाँ पे जाना है और दूसरे लोगों के घर में खेलना है। एक कितनी बार गया है, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी रखे हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप अपना बेडरूम कहीं क्यों नहीं दिखाते, क्या करूँ बेडरूम इतना छोटा है तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाता। ये है मेरा छोटू सा बेडरूम और आप देख सकते हो। मुझे कमेंट में बताना कि आप ऐसे छोटे से फ्लैट में कभी रहे हो। तो अभी हनी बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था, तो मुझे इसको ले जाना पड़ेगा नीचे। तो ये रहा देख रहा है लिफ्ट की, लिफ्ट कब आए, वो कब लिफ्ट में बैठे और कब बाहर जाके खेले। हनी को गार्डन में खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जब वहाँ से बाइक जाती है, कार जाती है, हनी बहुत ज़्यादा डर जाता है और मेरे कंधे पे बैठ जाता है। फटाफट फटाफट चढ़ेगा और कंधे पे जाके बैठेगा। तो ये बहुत अच्छा है हनी का कि वो ज्यादा इधर उधर घूमता नहीं। ये देखो, यह कंधे पे ही बैठा रहेगा अगर आसपास कार या बाइक हो तो। ये इसको थोड़ा ग्रास खाने में मजा आता है कभी कभी, ठीक है, आप पेट्स को थोड़ा बहुत ग्रास खिला सकते हो, वो अच्छा भी होता है उनके हेल्थ के लिए। और इस बच्चे को हनी बहुत ज्यादा पसंद आया। ये है हमारा गार्डन, सोसाइटी का मेन गार्डन है ये। यहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैं हनी को कभी कभी लाता हूँ जब यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता, तब हनी को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, क्योंकि हनी बहुत ज्यादा एंजॉय करता है गार्डन में, यहाँ बहुत ज्यादा घूमता है। तो कभी कभी अगर गार्डन में नहीं ले गया तो मैं उसको टेरेस पे लेके जाता हूँ और वहां पे बहुत ज्यादा मस्ती करता है वो। और यहाँ पे वो ग्रास खा रहा है, और वहां पे एक चिड़िया थी उसको भी टारगेट कर रहा था वो पकड़ने के लिए। चलो बहुत हो गया खेलना, अब जाते हैं घर पे, क्योंकि मुझे करना है कुछ काम। घर में रहना है मतलब काम भी करना पड़ेगा। और देखो ये आया, और अभी इसको फटाक से हार्नेस निकालना है। ये नहीं रुकता भाई, हार्नेस निकालो, मतलब वो हार्नेस के साथ खेलेगा, उसको निकालेगा, खुद से निकालने का ट्राई करेगा। ये सब अभी इसके नाटक चल रहे हैं। तो मैंने उसका हार्नेस निकालना है और उसके बाद उसको खाना भी देना है। तो मैंने उसका फटाक से हार्नेस निकाला और वहां पे ये खेलने लगा। ये बंदे को ना पूरा दिन खेलना होता है और खाना होता है। देखो, तो आज का दिन ऐसे ही खत्म हुआ। चलो बाय बाय।